बिहेवियर ऑफ रियल गैस या डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर, कि रियल गैस क्या है वो डेफिनेटली आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर नहीं शो कर रही, ठीक है। हमारे पास क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो ये बोलता था प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन ये हमको कॉन्स्टेंट नहीं मिलता है, ठीक है, ये हमको क्या मिलता है, कॉन्स्टेंट नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू जो है, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे विद इंक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है लगातार इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको आइडियल गैस से हमेशा पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, जितना प्रेशर आप सोचते थे ना आइडियल गैस के लिए, उससे प्रेशर हमेशा क्या मिलते जा रहा है, ज्यादा मिलते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। सेम केस अगर आप हीलियम को देखें, तो हीलियम भी क्या करती है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हीलियम के लिए भी ये वैल्यू हमको कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मिलती है। मिलना क्या चाहिए था, आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट मिलना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू हमको हमेशा क्या मिलती है, इंक्रीजिंग मिलती है। मतलब जितना प्रेशर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, है ना, कॉपी में जो कैलकुलेट की भाई इतना प्रेशर आना चाहिए, उतना प्रेशर नहीं आएगा, आपको हमेशा मिलेगा क्या, ज्यादा प्रेशर, ठीक है। इनिशियली जो प्रेशर की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते आते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस जो होती है हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, मतलब कैलकुलेटेड बिहेवियर से ज्यादा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम देखें किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो शुरू में तो ये थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर शो करती है, उसके बाद ये भी क्या करती है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगती है। सेम केस ये आपका है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बिहेवियर ऐसा ही रहता है, ये भी शुरू में नेगेटिव डेविएशन शो करती है काफी ज्यादा, उसके बाद इसका भी बिहेवियर क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले में थोड़ा सा नेगेटिव, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव शो करती, और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा नेगेटिव और डाउन जाता है, और उसके बाद ये पॉजिटिव शो करता है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड सी। दैट मींस ये रियल गैसेस हैं जो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रही, ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रही। बट जैसे कि हमने बोला कि हर कंडीशन पे हर गैस आइडियल नहीं हो सकती, बट किसी किसी कंडीशन पे हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पर फोकस करूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पॉजिटिव, है ना, आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आइडियल गैस बिहेवियर के पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रेशर पर। दैट मींस एट एवरी प्रेशर कंडीशन ऑल द गैसेस विल नॉट रिप्रेजेंट द आइडियल बिहेवियर, बट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सम गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। जैसे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये आइडियल बिहेवियर वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बिहेवियर है, ये आपका क्या है, ये आइडियल गैस बिहेवियर है। इस पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और इस पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड आइडियल गैस का बिहेवियर शो करती है। हर टाइम पे कोई शो नहीं करेगा। जैसे बच्चे की बात करें, कोई बच्चा जो हमेशा आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा जो है ना
बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है, कोई बदमाश बच्चा भी रहता है, कभी ना कभी वो आइडियल बिहेवियर शो करता ही है, चाहे मम्मी पापा के सामने, चाहे स्कूल में या एग्जाम हॉल में। ठीक है, कोई कितना भी बातू नहीं क्यों ना हो, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा चुप बैठा ही रहता है, क्योंकि एग्जाम तो देना है, बात करेंगे तो बाहर निकाल देंगे, चाहे पेपर बने चाहे ना बने। ठीक है, तो आइडियल का कंडीशन जो है एक फिक्स है, एवरी सिचुएशन में कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, ये है आपका डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आपको यहाँ पे दो टाइप का मिल रहा है, दो टाइप का डेविएशन देखने को मिलता है। डेविएशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, यानी कि जो आइडियल बिहेवियर है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उससे हमको जो रियल गैस की वैल्यू या तो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा मिलेगी या तो उससे कम मिलेगी। तो डेविएशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है क्या, नेगेटिव डेविएशन। तो जिससे ये पता चलता है कि जो हमने गैस लॉ अभी तक बनाए हैं, ठीक है, वो एक्चुअली रियल में पूरी तरीके से फॉलो होते भी नहीं है। एक और जो ग्राफ अगर हम देखें इसके लिए, रियल गैस और आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम, तो जब अगर हम इसको वाई एक्सिस लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं प्रेशर बढ़ाते आते हैं, तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कौन बोलता था, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये बोलता था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, बॉयल्स लॉ। ये कर्व हमको रियल गैस और आइडियल गैस के लिए सेम नहीं मिलता। जहां पे अगर हम देखेंगे कि सपोज रेड वाले पॉइंट से बना लेते हैं आइडियल गैस को, जैसे ऐसे प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये आपकी क्या है, रियल गैस और आइडियल गैस। रियल गैस के लिए क्या होता है, होता तो सेम यही है, लेकिन ये इस लाइन को ओवरलैप नहीं करता। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाते हैं, पर्टिकुलर ओवर में इंडिया किस पॉइंट पर खड़ा है, पाकिस्तान किस पॉइंट पर खड़ा था, अगर ओवरलैप कर रहे हो तो दोनों का सीन सेम चल रहा है, मैच बराबर ही है। लेकिन अगर इंडिया का लाइन उससे नीचे आ गया, अगर इंडिया पीछे, ये है आपका क्या, रियल गैस। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशन में हम आइडियल गैस का प्रेशर जितना एज्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम जितना एज्यूम करते हैं, रियल गैस का वॉल्यूम उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा आइडियल गैस और रियल गैस के वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम हम आइडियल गैस का पर्टिकुलर प्रेशर पे एज्यूम करते हैं, उतना एक्चुअल में रियल गैस का वॉल्यूम नहीं होता, वहां पर आपको एक गैप देखने को मिलता है। और ये गैप ही क्या है, रीजन है कि रियल वॉल्यूम आपको आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा मिल रहा है, रियल गैस का वॉल्यूम जो है आपको आइडियल गैस के कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज्यादा मिल रहा है। ये डेल्टा वी जो आपको दिख रहा है, ये रियल गैस के डेविएशन का रीजन है। अब यही जानना है कि ये रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, रियल गैस आइडियल गैस जैसे क्यों बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो इसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट ने क्या कहा, इनके ऑब्जर्वेशन के बाद, इन दोनों ग्राफ के बाद, कि इट इज फाउंड दैट रियल गैसेस डू नॉट फॉलो गैस लॉ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, करते हैं, गैस लॉस परफेक्टली, एकदम परफेक्टली फॉलो नहीं करते। आप कैलकुलेट कर रहे हो 2.2 आंसर आ रहा है 2.5, तो थोड़ा सा वेरिएशन वहां पर आता है अंडर ऑल कंडीशन। तो इसका रीजन ये है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो आइडियल गैस के बारे में बात करती है,
जो गैस आइडियल होगी वही क्या करेगी, गैस लॉ को भी आइडियली फॉलो करेगी। लेकिन रियल गैस आइडियल क्यों नहीं है, उसका मेजर जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब हमने केटीजी पढ़ा था अभी, तो हमने बोला था कि इसका दो पॉइंट बिल्कुल गलत है। पहला पॉइंट जो ये बोलता है कि गैसियस पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं, जो बिल्कुल तरीके से गलत है। अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो वहां पर वॉल्यूम को वो इफेक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स तो है डेफिनेटली, और ये तो मानने को तैयार नहीं था कि अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसका रीजन वो बोलता है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात जो कंसिडर की गई है ये बिल्कुल क्या है, गलत है, रॉन्ग ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जो इन्होंने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, और दूसरी चीज की गैसियस वॉल्यूम को बोलता है कि जितना वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया है उसके कंपैरिजन में गैसियस वॉल्यूम एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब तो गैस के वॉल्यूम को कुछ मानने को तैयार नहीं है, है ना। जैसे बोला जाए, क्या बोल रहा है ये, कि सपोज एक कमरे में गैस भरी है, ये पूरा कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में क्या है, गैस भरी हुई है, कोई भी गैस, सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉर्मल एयर, ऑक्सीजन ही मान लेते हैं चलो। तो सपोज ये ऑक्सीजन गैस इस पूरे कमरे में भरी हुई है, तो ये क्या हो गया, इस गैस का ऑक्यूपाई वॉल्यूम हो गया। इस कमरे के अंदर ये गैस भरी हुई है, तो ये गैस का क्या हुआ है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। अब बोलता है कि अगर मैं पूरी गैस को ऐसे ठूस ठूस के समेट के इस कमरे के एक कोने में इकट्ठा कर दूं, एक कॉर्नर पे इकट्ठा कर दूं, तो जो गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा, ठीक है, गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो इस कमरे के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल साइज का होगा, उसका कुछ साइज ही नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल, मतलब सरसों के दाने जितना हो जाएगा, एक कमरे के किनारे पर सरसों का एक दाना गिर जाए तो इतना ही जगह ऑक्यूपाई कर लिया होगा, जो एक्चुअली में सही नहीं है। बोला इतना कम भी वॉल्यूम गैस का नहीं होता, उसका जो साइज होगा, द साइज ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट दिस मच, कि ऐसा नहीं कि किसी किनारे में एकदम छोटा सा चीज पड़ा है आपको फर्क ही नहीं पड़ता, दैट विल ऑक्यूपाई अ कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विद इन द रूम, कम से कम इतनी जगह घेरेगा। अगर कमरे में एक टेनिस की बॉल भी पड़ी हुई है तो उसने वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई किया है ना, क्रिकेट की एक बॉल अगर कमरे में पड़ी हुई तो आप उसके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को जीरो नहीं बोल सकते, उसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो है। इसने दो गलती की, पहली गलती तो ये कि अट्रैक्शन फोर्स को इसने नेग्लिजिबल माना, और दूसरा इसका एक्चुअल जो वॉल्यूम था इन कंपैरिजन टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम उसको भी इसने क्या कर दिया, जीरो मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, वो तो उसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं, जो बिल्कुल गलत है। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, इसको लिखते हैं एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ये पॉइंट जो इसने बोला था जो बिल्कुल ही गलत है, इट इज नॉट नेग्लिजिबल, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतना भी कम नहीं है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, आप एक डीओ को ही बॉटल को सोचोगे, एक डीओ की बॉटल है ना, या एलपीजी है ना, डीओ की बॉटल, एलपीजी गैस उसकी अच्छी स्मेल भी नहीं होती है ना, डीओ की बॉटल, उस डीओ की बॉटल के अंदर डीओ है, जिसका एक बॉटल आजकल ट्रांसपेरेंट भी आ रही है, तो आपको दिखता है ना, देयर इज सफिशियंट अमाउंट ऑफ डिओड्रेंट इज फिल्ड इनसाइड द बॉटल, काफी ज्यादा अमाउंट है। अब उसी डीओ की बॉटल के स्प्रे को आप पूरे रूम में स्प्रे कर दो और पूरे रूम खुशबू से भर जाए, तो बोलो कि दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द डिओड्रेंट, वो पूरे कमरे में जितनी खुशबू भरी हुई है वो डिओड्रेंट का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, और जो बॉटल के अंदर जो डिओड्रेंट भरा हुआ था, सपोज 100 ml या 80 ml भी भरा हुआ था, ठीक है, दैट वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, सो वी कैन नॉट से दैट 80 ml इज नेग्लिजिबल। ठीक है, उसी कमरे में 80 ml क्लोरीन गैस डाल के देखो, आदमी सांस नहीं ले पाएगा, तो दैट इज नॉट नेग्लिजिबल अमाउंट।
ठीक है, तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दो नेग्लिजेंस की वजह से इसका जो एक्चुअल जो रियल कंडीशन में जो कैलकुलेशन था उसमें एरर आने लगा है, और इसी एरर को ठीक करता है कौन, वॉन्डरवॉल। क्योंकि वॉन्डरवॉल से पहले ये चीज नहीं पता थी कि उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसी चीज को वॉन्डरवॉल ने एक्सप्लेन किया कि देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए इस चीज को वॉन्डरवॉल ने करेक्ट किया, ठीक है, और इसने बताया क्या, इसने करेक्शन किया, बोला तुम लोग जो फॉर्मूला कैलकुलेट किए, बोले क्या करें अभी तक जो हमारा जो डिस्कवरी है उसको फेंक दें, है ना, ना पढ़ें, खराब हो गया पूरा। बोले नहीं, तुमने जो डिस्कवरी की है, जो रिलेशन निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। बोले कि तुमने आइडियल गैस का प्रेशर निकाला था जिसमें एक्चुअल प्रेशर से कुछ कम प्रेशर आपको मिल रहा था, तो बोले जो रियल गैस का जो प्रेशर है उसमें आप क्या करो, एक कांस्टेंट को ऐड कर दो, बोले आपका जो वैल्यू है वो सही आने लग जाएगी। बोले कौन सा कांस्टेंट, बोले ए एन स्क्वायर अपॉन बी। तो इसने दो करेक्शन दिया यहाँ पर, ठीक है, बोला एक जो आप अट्रैक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं करते थे जिसके कारण प्रेशर में डिफरेंस आता था, इसको बोला क्या, ये आपका एक्चुअली ऑब्जर्व प्रेशर जो आपको रियल में ऑब्जर्व हो रहा है, और इसमें हमने कुछ क्या किया है, करेक्शन किया है, तो ये आपका क्या है, करेक्शन टर्म। वेयर ए इज कांस्टेंट, इसने एक अपना एक कांस्टेंट पुट किया, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज, बोला इट इज अ शॉर्ट रेंज अट्रैक्शन फोर्स नेम्ड एज वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बोला ये करेक्शन करने के बाद अगर आप अपना आइडियल गैस वाला फॉर्मूला को सुधारना चाहते हो, ठीक है, जो आपने निकाला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। बोले पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी, आप केवल पी नहीं लिखना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी, ये आपका किया प्रेशर में करेक्शन, और वॉल्यूम जो है आपको जो ज्यादा मिल रहा था उसको थोड़ा कम करना है क्योंकि अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल पास पास आते हैं, इसलिए वॉल्यूम जो है कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो थोड़ा कम मिलेगा, तो वॉल्यूम को थोड़ा सा माइनस किया, माइनस एन बी। यहाँ पर बी भी क्या है, कांस्टेंट है, इसने दो कांस्टेंट रखे हैं ए और बी, जो कांस्टेंट ए है दैट इज फॉर प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट बी इज फॉर वॉल्यूम करेक्शन। बोला अब ये आपका फॉर्मूला सही हो गया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जो निकाला था, तब तो पी ना बोल करके हम बोलते हैं पी इज ना पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी, और वी ओनली वी ना बोल करके वी माइनस एन बी। हालांकि इस फॉर्मूले का यूज आपको न्यूमेरिकल में नहीं किया जाता, न्यूमेरिकल जब भी देता है तो हम आइडियल गैस मान के ही उसको सॉल्व करते हैं चाहे वो कोई भी गैस दे, ठीक है। तो ये सिर्फ करेक्शन टर्म था जो बाद में इसमें ऐड किया गया, हालांकि हम जब भी न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फाइनल एक रिलेशन इनको मिलता है। ठीक है, हमारे पास एक जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको हमने क्या किया है, करेक्ट किया है। बोला कि कोई भी गैस को कितना कंप्रेस कर सकते हो, वो भी इसने एक रिलेशन दिया, दैट इज कॉल्ड जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर टी इज इक्वल टू जेड, एंड जेड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा इट मीन्स आप वो गैस को उतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
यही रीजन है कि अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से जैसे जैसे पार्टिकल शुरू में तो गैस के दूर दूर है, जैसे आप फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगाने से गैसियस पार्टिकल पास में आते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उसके बीच का इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होने लगता है और उस टाइम पे जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होने लगती है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो गैसियस पार्टिकल कभी भी लिक्विफाइड नहीं हो सकते। इस चीज को वॉन डर वाल्स ने एक्सप्लेन किया और ये करेक्शन का टर्म दिया कि प्रेशर को बोला थोड़ा सही करो, प्रेशर आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर मिलेगा और वॉल्यूम जितना कैलकुलेट कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम वॉल्यूम मिलेगा। किस कुछ इंक्रीज हो रहा है प्रेशर में और वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, इससे आप रियल गैसेस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बोलता है क्या इस, है ना, और किसी गैस को कितना कंप्रेस कर सकते हो ये डिपेंड करता है जेड पर। ठीक है, बोलता है कि एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर क्या है बहुत लो है तो जेड की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, एंड एट हाई प्रेशर जेड की वैल्यू जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1।